International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. Chief Fire Officer Saab, Ajmer ne ek mock drill ka ayojan kiya tha. Ayojan ka purpose ye tha ki kuch samay pehle patli galiyon mein, dargah kshetra mein aag lagi thi. उससे थोड़ी फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समस्या आई थी. उसी उद्देश्य को देखते हुए आज इन्होंने कोतवाली क्षेत्र को चिन्हित किया. चिन्हित करके रिस्पांस टाइम भी इन्होंने चेक किया. बकायदा मौके पर आकर इन्होंने कॉल किया, कंट्रोल को बताया गया. इन्होंने अपने फायर ऑफिस में कॉल किया और पुलिस और फायर और जो भी इमरजेंसी सेवाएँ उनका रिस्पॉन्स टाइम भी चेक किया गया, तथा साथ ही साथ पतली गलियों में क्या प्रैक्टिकल उसमें समस्या आ रही है वो जानने की भी कोशिश की. जैसा आपने आप सभी देखा, गली पतली होने की वजह से फायर की गाड़ी मौके पर ये जैसे छापड़ा भवन है यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि सकड़ी गली थी, मोड़ में मुड़ नहीं पाई. फिर भी इन्होंने पाइप, इनके पास लंबा था, तो उस पाइप को खींच के और 6 से 7 मिनट के भीतर भीतर ये यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और आग बुझाने का इन्होंने प्रयास किया है. और भविष्य में भी इन बाधाओं को देखते हुए जो भी कार्य किया जा सकेगा उसकी पूर्ति की जाएगी. लगी थी जिसमें काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि वो तंग गली थी और वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती थी. इस वजह से वहाँ पर ना तो गाड़ी पहुँच सकी सही समय पर, ना उनको मदद मिल सकी. तो इसी को देखते हुए कलेक्टर साहब ने और हमारी कमिश्नर साहब ने जो है हमें निर्देश दिए थे कि आप जो है मॉक ड्रिल करें, ताकि पता चले कि शहर की कितनी गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बड़े बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं. उसी को वेरीफाई करने के लिए आज हमने हमारे कोतवाली के सीआई साहब शमशेर खान साहब और मैंने दोनों ने मिलकर ये ड्रिल करी है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड कितने तक पहुंच सकती है. तो सही समय पर हमारा डिपार्टमेंट की गाड़ियां पहुंच सकी, पुलिस का स्टाफ बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे पहुंचा, मगर गलियां इतनी तंग है कि वहां पर छोटी गाड़ी भी एंटर नहीं कर सकती और वहां पर जो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं. तो ऐसे में कभी अगर आग लगती है तो वो आग बुझाने में बहुत दिक्कत आती है. तो हमारा सबसे ये निवेदन है कि अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अगर कुछ पता नहीं है तो उसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट आपको गाइड कर सकता है कि आपको क्या सिस्टम लगाने हैं और क्या सिस्टम आपको इंस्टॉल करने हैं, ताकि वक्त आने पर जो है कभी ऐसी घटना घटती है तो आप लोग आराम से उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं. उसमें हम भी आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त ना हमारी व्हीकल अंदर जा सकते हैं और ना हमारे सिस्टम काम कर सकते हैं. कितना टाइम लगेगा सर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? हमारे को यहाँ पर पहुँचने में हमारी जो स्टाफ को हमने कॉल किया था वो 5 मिनट में आप पहुँच गए थे फायर ब्रिगेड से, और पुलिस जो है वो 2.5 मिनट में यहाँ पर आ गई थी. सीआई सब खुद यहाँ मौजूद थे मौके पर. सर अभी भी वही दिक्कत आई, अभी भी 3-4 बजे वो गाड़ी अटकी. अभी गाड़ी अटकी है तो गाड़ी को भारी खड़ी करना पड़ा है और पाइप को लंबा लेकर लगाना पड़ा है, और तो ये थोड़ा सा और आगे जा सकता है अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी खड़ी होंगी नए बाजार में. मगर इससे आगे तक हमारी जब गाड़ी का प्रेशर जो है वो कंट्रोल में जो है वो पूरा कंट्रोल में नहीं रहता है इसका.